हां जी मित्रों व्हाट्सअप 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 कैसे हैं आप सब वेलकम 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 टू टूडे रिवीजन सबका स्वागत है आज के प्यारे प्यारे रिवीजन में वेलकम 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 अगर आप तक एकदम बढ़िया तरीके से ऑडियो और वीडियो पहुंच रही है तो फटाफट फड़ सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके और चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट सर।, सर हम आ गए हैं खम एवरीवान आ जाओ हेलो जी हेलो गौरव नीरज प्रगति वासुदेव क्षितेश दीपक एनोनिमा शिवम उमेश क्या बात है सर क्या बात है क्या बात है क्या बात है सारे के सारे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे आ गए हैं So सर आज हम क्या करेंगे आज हम ऑडिट सैंपलिंग रिवाइज करेंगे तो मित्रों मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी बस मेरे साथ एंड तक बने रहना बस मेरे साथ एंड तक बने रहना पूरा का पूरा चैप्टर आज हम रिवाइज कर लेंगे एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से जैसे हमने इसको क्लास में कवर किया था बस आपने मेरे साथ फील में बस आपने मेरे साथ फील में फ्लो बनाते हुए चलते जाना है सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर सबसे पहले सवाल आता है ऑडिट सैंपलिंग क्या है नाम से ही पता लग रहा है हम पूरी पॉपुलेशन टेस्ट नहीं करेंगे हम 100 परसेंट चीजें चेक नहीं करेंगे हम कितनी चीजें चेक करेंगे लेस देन 100 परसेंट तो ये कहता है जब भी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो किसके ऊपर लेस देन 100 परसेंट ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन इस तरीके से कि सारे सैंपलिंग यूनिट्स का क्या है

हमारा काम है सैंपल को चेक करना हमारा काम है सैंपल्स को चेक करना और ये जो सैंपल है ना ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सर रिप्रेजेंट किसको करे इंटायर पॉपुलेशन को ताकि आप चेक करो सैंपल और आपको पूरी पॉपुलेशन पे ही कंक्लूजन मिल जाए आपको पूरी पॉपुलेशन पे ही कंक्लूजन मिल जाए मुझे बताओ कंक्लूजन के बाद हम क्या एक्सप्रेस करते हैं सर एज अ ऑडिटर आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो कंक्लूजन के बाद आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके चलते हो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव है हमको चाहिए रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अब ये रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन क्या होता है थोड़ी सी देर में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे ठीक है सर अच्छा कंक्लूजन किसके बारे में के बारे में पहली चीज जो आपके एग्जाम आपसे सवाल पूछूंगा जहां मैं आपसे सवाल पूछूंगा आप वहां बस चैट में जवाब देना बाकी टाइम आपने बस मेरे साथ रूबरू होना है, जो मैं बोलू वो चीज दोहराते रहना क्या ये बात समझ आती है हाँ सर सर सैंपलिंग रिस्क क्या होती है सैंपलिंग रिस्क ये है कि अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को चेक ना करके अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को चेक ना करके सिर्फ सैंपल को चेक करूं तो जो मेरा सैंपल से कंक्लूजन आएगा ना इट विल बी डिफरेंट जो मेरा सैंपल से कंक्लूजन आएगा इट विल बी डिफरेंट सर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? अगर मैं पूरी पॉपुलेशन चेक करता तो जब भी आपका सैंपलिंग का कंक्लूजन इज डिफरेंट फ्रॉम द होल पॉपुलेशन का कंक्लूजन सर ये क्या है यही सैंपलिंग रिस्क है सो सैंपलिंग रिस्क इज बेसिकली द कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन अगर आप एंटायर पॉपुलेशन को टेस्ट करते अब सर ये जो आपका सैंपलिंग रिस्क है ये क्या हमेशा ऑडिट सैंपलिंग uh, में रहेगा हा जब जब आप सैंपलिंग करोगे तो सैंपलिंग रिस्क रहेगा इट विल ऑलवेज बी इन एक्स्टेंस जब जब आप सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे क्या ये ये बेसिक बात समझ आती है है हाँ, सर अब ये कहता है कि इसमें ना दो तरीके के एरियस कंक्लूजन हो सकते हैं सर सबसे पहला वाला क्या है सबसे पहले वाला कहता है कि अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तो आपको तो लग रहा था कंट्रोल्स बड़े ही अच्छे हैं आपको तो लग रहा था कंट्रोल्स बड़े ही अच्छे हैं बट वो उतने अच्छे भी नहीं है बट वो उतने अच्छे भी नहीं है या फिर अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे थे तो आपको लगा मटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है आपको लगा मटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है बट बाबू थी तो मुझे बताओ जब मटीरियल स्टेटमेंट थी और आपको लगा नहीं है तो क्या आपने सही ओपिनियन दिया होगा या गलत ओपिनियन चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे जल्दी से बता दो अगर मटेरियल मिस्टेटमेंट थी और आपको लगा नहीं है तो क्या आपने सही ओपिनियन दिया होगा या गलत ओपिनियन वेरी गुड विधि वेरी गुड अभिनंदन सब ने कहा सर इट वुड लीड टू रॉन्ग ओपिनियन अगर ओपिनियन ही गलत हो गया तो क्या मैं बोल दू ऑडिट इफेक्टिव ही नहीं है जो आपका ऑडिट है उसकी इफेक्टिवनेस खराब हो गई हां सर अब इस केस में क्या हमने कंट्रोल्स पे ज्यादा विश्वास किया था या कम सर आपने कहा था आपको लगा कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर यानी आपने कंट्रोल्स पे ओवर रिलाय कर लिया आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल्स पे ओवर रिलाय कर लिया तो बस तीन बातें ध्यान रखना सर क्या क्या बड़ी सिंपल है सबसे पहले सर क्या है हमको लगा कंट्रोल्स अच्छे हैं बट नहीं थे हमको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि थी तो इससे क्या होगा सर गलत ओपिनियन हो जाएगा अगर गलत ओपिनियन हो जाता है तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस खराब हो जाती है एंड कहीं ना कहीं एंड कहीं ना कहीं इट इज कॉल्ड ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल आपने कंट्रोल्स पर ज्यादा रिलाई कर लिया अब सर अगर मैं बात करूं इसका उल्टा अब ये जो ऊपर कवर किया ना इसका उल्टा कर दो सर उल्टा का क्या मतलब है आपको लगा कंट्रोल्स बड़े ही बकवास हैं, जबकि अच्छे थे आपको लगा कंट्रोल्स बड़े ही बकवास जबकि अच्छे थे यानी यू मेड अ कंक्लूजन दैट द कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर एक्चुअल में तो अच्छे थे आपको लगा मटीरियल मिस्टेटमेंट हो सकती है आपको लगा मटीरियल मिस्टेटमेंट हो सकती है जबकि नहीं थी तो यह प्रूव करने के लिए कि मटीरियल नहीं है आपने क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर कर दिए? हां सर एक्स्ट्रा प्रोसीजर कर दिए जब जब जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर करोगे इसको क्या कहते हैं एफिशिएंसी की बैंड बज गई कहीं ना कहीं आपके ऑडिट की एफिशियंसी की बैंड बज गई अब क्या यह ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल है या अंडर रिलायंस

चल रहे हैं क्या आपको यह बेसिक बात समझ आती है मित्रों हाँ सर, ये बेसिक बात समझ आती है तो सैंपलिंग रिस्क क्या थी एक बार फटा -फट बार फटाफट लास्ट रिवाइज कर लेते हैं सर सैंपलिंग रिस्क इज इज बेसिकली जो कंक्लूजन आप सैंपल पे निकालोगे इट डिफरेंट बोलो मेरे साथ जो कंक्लूजन आप सैंपल में निकालोगे इट इज डिफरेंट की अगर आपने पूरी पॉपुलेशन टेस्ट की होती दो तरीके की सैंपलिंग रिस्क बता दो सर एक में हमको लगा कंट्रोल अच्छे हैं जबकि नहीं थे मटीरियल स्टेटमेंट नहीं है जबकि थी तो इससे क्या इफेक्ट होता है ऑडिट की इफेक्टिवनेस प्लस आपका ओपिनियन गलत प्लस इट इज अ केस ऑफ ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल दूसरा केस क्या था हमको लगा कंट्रोल लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट बट इट तो ये प्रूव करने के लिए आपने एक्स्ट्रा प्रोसीजर करे जिससे एफिशियंसी की बैंड बजी एंड इसको कहते हैं सर क्या अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल कहीं ना कहीं अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाती है नजरिया सुप्रिया आशीष सुधीर वेरी वेरी गुड सबने एकदम सही जवाब दिया लास्ट में आता है सर एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्या मतलब है कि आपका जो ओपिनियन है ना या आपका जो कंक्लूजन है वो हो गया है गलत जो आपका ओपिनियन और कंक्लूजन है वो हो गया है गलत बट मेरे दोस्तों इसका रीजन क्या सैंपल है क्या इसका रीजन सैंपलिंग है आंसर इज नो सैंपलिंग के अलावा सैंपलिंग के अलावा किसी रीजन की वजह से आपका ओपिनियन गलत हुआ है तो ये देखो क्या कहता है ऑडिटर रीच इज कंक्लूजन फॉर अ रीजन नॉट रिलेटेड टू सैंपलिंग सैंपलिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है तो सर गलती किसकी है ऑडिटर की ऑडिटर ही नालायक कैसे है मैंने कहा ऑडिटर एक तो ह्यूमन होता है तो ह्यूमन मिस्टेक अब ह्यूमन ने मिस्टेक कहां करी सर आपको ऑडिट की साइकिल आती है हां मुझे आती है ऑडिट की साइकिल में सबसे पहले क्या परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर तो ये कहता है जो आपने प्रोसीजर्स करे वो एप्रोप्रिएट ही नहीं थे प्रोसीजर करके जो एविडेंस मिला वही गलत था सर एविडेंस का क्या मतलब है एरोनियस इंफॉर्मेशन अब एरोनियस इंफॉर्मेशन पे जो आपने कंक्लूजन निकाले एरोनियस इंफॉर्मेशन पे जो आपने कंक्लूजन निकाले उनको भी आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया तो चार बातें ध्यान रखना ह्यूमन मिस्टेक्स ऑडिट प्रोसीजर ही गलत थे ऑडिट प्रोसीजर करके जो एविडेंस मिला एरोनियस था और उस पे जो निकाला उसी मिस इंटरप्रेट कर दिया सो दिस इज अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क सारे बच्चे मुझे ज्ञान की बात बताओ डिटेक्शन रिस्क के दो बच्चे कौन है डिटेक्शन रिस्क के दो बच्चे कौन है सर यही जो अभी हमने कवर करे डिटेक्शन रिस्क के दो बच्चे हैं सैंपलिंग रिस्क ये आपके आरटीपी में भी आई ने पूछा और दूसरा क्या है सर दूसरा है नॉन सैंपलिंग रिस्क तो आपने बस इसी फ्लो में मेरे साथ चलते जाना है, छोड़ा थोड़ा चीजों को समझते जाएंगे दिमाग में डालते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या सैंपलिंग रिस्क वाला टॉपिक डन दन डना डन दन डन क्विकली अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स मजा आ जाएगा क्लियर है बॉस ऑसम awesome! बहुत ही बढ़िया अब सारे बच्चे आ जाओ मेरे फेवरेट टॉपिक पे अब चलेंगे हुले हुले साजना धीरे धीरे बाल सर सैंपल निकालते कहा से मैंने कहा सैंपल निकालते पॉपुलेशन में से वेरी गुड तो क्या आपकी जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए हाँ तो ये कहता है पॉपुलेशन मतलब हंड्रेड परसेंट सेट ऑफ डेटा या कंप्लीट सेट ऑफ डेटा जिसके अंदर से आप अपना सैंपल सेलेक्ट करते हो जिसको लेके आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो मुझे बताओ आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए सर आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए कैसी पॉपुलेशन चाहिए आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए आपको क्या मतलब है आपका मतलब है अप्रोप्रिएटनेस कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए सर इट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव यानी रेलिवेंट तो जो बात हम ऐसे 500 में भी पढ़ते हैं सर रेलिवेंट टू वॉट रेलिवेंट टू द अजर्शन बींग टेस्टेड जो अजर्शन आप टेस्ट कर रहे हो उसको रेलिवेंट होनी चाहिए सर अजर्शन का क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना अगर मैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल चेक कर रहा हूं मैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स चेक कर रहा हूं इसका क्या मतलब है सर इसका यह मतलब है कि जो आपकी लिस्टिंग में पांच डेटर दे रखे हैं, जो आपकी लिस्टिंग में पांच डेटर दे रखे हैं, आपको लगता है कोई छठा डेटर भी होगा तो वो छठा डेटर मैं कैसे चेक करूं सर इसके लिए सॉरी ओवर स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो एंटिटी ने आपकी लिस्ट में पांच डेटर दे रखे आपको उन्हीं पे शक है जो एंटिटी ने आपको पांच डेटर दे रखे उन्हीं पे शक है तो आपके लिए पॉपुलेशन क्या होगी एंटिटी की लिस्टिंग जो एंटिटी ने लिस्टिंग दे रखी इसी को चेक कर लो ठीक है सर अंडर स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कुछ रही है का मतलब है एंटिटी आपसे कुछ छुपा रही है हाँ सर तो एंटिटी जनरली क्या अंडर स्टेट करेगी सर लाइबिलिटी हमेशा एंटिटी एसेट्स को ज्यादा दिखाना चाहेगी लाइबिलिटीज को कम दिखाना चाहेगी तो अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो सर मैं क्रेडिटर्स की अंडर स्टेटमेंट कैसे चेक करूं ये कहता है लिस्टिंग गई भाड़ में अब आप देखो सब्सिक्वेंटली एंटिटी ने किस किस को पेमेंट दी तो अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी अकाउंट्स पेबल की तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो लिस्टिंग थोड़ी होगी आपको तो लग रहा है लिस्टिंग के अलावा कुछ और है तो लिस्टिंग के अलावा आप क्या देख सकते हो सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट क्या क्या सब्सिक्वेंट पेमेंट हुई है क्रेडिटर्स को ठीक है अनपेड इनवॉय सप्लायर इन स्टेटमेंट ये सारी चीजें देख सकते हो तो अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है पॉपुलेशन शुड बी रेलिवेंट ठीक है सर को का क्या मतलब था को का मतलब था कंप्लीटनेस यानी पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर पॉपुलेशन ही कंप्लीट नहीं होगी तो सैंपल किस बात का

रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए क्या पॉपुलेशन की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स डन डना डन क्विकली मी इन द चैट बॉक्स क्लियर है बॉस हां सर अब सर पॉपुलेशन में से जो आइटम्स होते हैं जो पॉपुलेशन के आइटम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं उन्हीं को सैंपल यूनिट कहते हैं उन्हीं को सैंपल यूनिट कहते हैं तो जो इंडिविजुअल आइटम्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं जो इंडिविजुअल आइटम्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं सर उन्हीं को सैंपलिंग यूनिट कहते हैं अब इसके दो तरीके हो सकते हैं फॉर एग्जांपल जो एंटिटी के डेटर्स हैं सर वो किस तरह से हम देख सकते हैं या तो पर्सन वाइज देख सकते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी या हम इनको कैसे देख सकते हैं इनवॉइस वाइज कहीं ना कहीं हम इनको इनवॉइस वाइज भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सेल्स इनवाइसिस हैं जो कभी अनपेड हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए तो यही कह रहा है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो इन वेराइटी ऑफ वेज फॉर एग्जाम्पल डेटर्स है तो इट कैन बी एज कस्टमर बैलेंसेज मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी या आप इसको कस्टमर इन्वॉइसिस के बेसिस पे भी स्ट्रक्चर कर सकते हो कहता है कैसे भी करो कैसे भी करो बट इट शुड बी कहीं ना कहीं क्लोजली सिमिलर होना चाहिए पूरी इट शुड बी क्लोजली एग्जैक्टलीम नहीं होना चाहिए अब आता हमारा फेवरेट टॉपिक सारे बच्चे यहां पर डाल दो फाइव स्टार ये कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए चैट बॉक्स में लिखो रेडी आ जाओ आ सर सबसे पहले कहता है अप्रोचेस में दो अप्रोच है एक है स्टैटिस्टिकल एक है नॉन स्टैटिस्टिकल जब जब शुभम सर स्टैटिस्टिकल बोलते तो हमने क्लास में क्या सीखा था सर स्टैटिस्टिकल का मतलब है शादी के कार्ड में एंड में क्या लिखा होता है आर एस वी पी यहां आता है क्या आर एस पी टी यहां आता है हमारा आर एस पी टी सर आर एस पी टी का क्या मतलब था रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी है कि जिस आइटम की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोबेबल होनी चाहिए तो ये कहता है रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज की जाएगी फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट कहीं ना कहीं सैंपल को चूज करने के लिए आपने यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स लगा के चलने हैं अब सर आईसीए हो सकता है लिख के दे दे तो इसमें हम क्या लिखते थे एक बार चैट में बता दो ना इट इज मोर साइंटिफिक मैं इसका वर्ड भूल गया कुछ मैथमेटिकल आपकी फाउंडेशन की याद कराऊंगा मैथमेटिकल लॉग वेरी गुड अनुराग वेरी गुड प्रेरणा वेरी गुड विशाली सर मैथमेटिकल लॉ का क्या मतलब है ये कहता है मैथमेटिकल लॉ का मतलब है स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है इट इज मोर साइंटिफिक देन द टेस्टिंग बेस्ड ऑन जजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये तो पहली बात समझ आ गई सर एल का क्या मतलब है जब भी आपकी पॉपुलेशन में ढेर सारे आइटम्स होंगे जब भी आपकी पॉपुलेशन में ढेर सारे आइटम्स होंगे लेट से पचास हजार परचेजेस है अगर फिफ्टी थाउजेंड परचेज आइटम्स है तो सर क्या मैं इसको मतलब बिना स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग के कर पाऊंगा नहीं स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग इज द ओनली वे तो जब भी आपकी पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स हैं एंड आपने क्या टेस्ट करनी है आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करनी है डेटर की कंफर्मेशन लेनी है पेरोल चेकिंग करनी है इनवॉइस चेकिंग करनी है तो क्या करेंगे सर हम स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे तो पहला हो गया मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी दूसरा हो गया लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स तीसरा क्या है सर तीसरा कहता है देयर इज नो बायसनेस एन का क्या मतलब था सर मैथमेटिकल लॉग में एन का मतलब है नो पर्सनल बायस 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 तो तो अगर आप चाहते हो, आप, आप चाहते चाहते हो हो आपकी आपकी सैंपलिंग सैंपलिंग शुड 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 बी 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 फ्री फ्री ऑफ ऑफ इट साइंटिफिक आपने स्टेटिस्टिकल के साथ जाना है तो ये तीन बातें ध्यान रखना सर क्या मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन जो स्मॉल स्मॉल आइटम्स हैं एंड लास्ट में क्या आता है यू डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व एनी पर्सनल बायस क्या ये तीन बातें ध्यान रखेंगे रखेंगे सर अब यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो आप हमेशा सैंपलिंग यूज करेंगे क्या इसी के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में दे रखा है जिस जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक किया है क्या यह फोर्टी फाइव थाउजेंड पर सवाल पूछता है या नहीं पूछता जल्दी से बताओ देखते कौन कौन समझदार बच्चे आए आज चैट बॉक्स में विधि कहती है हाँ सर बड़े ही चलाक लोग हैं रिमेंबर इट और नॉट यस yes, बहुत बढ़िया अब जब आईसीए ये लिख के देगी और बोलेगी आइडेंटिफाई करो अप्रोच ऑफ सैंपलिंग आइडेंटिफाई तो हम सब कर लेंगे सर इट इज स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग अब मुझे बता दो इसके फायदे क्या हैं अब सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो इसके फायदे क्या हैं ये जो फायदे हैं ये कहां से आएंगे ये फायदे कौन याद करवाएगा हमको मोमा ओ मोमा सर यह है रोसेश की पसंद क्या बात है नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग सबसे पहले रोसेश क्या बोलता है मो क्या बोलता है मामा मा सर मॉ का क्या मतलब है इट इज मोर ऑब्जेक्टिव मा का मतलब है जब भी ये large mass of data होगा, जब भी भी ये होगा, होगी, तो आप statistical sampling use करोगे, ठीक है है? है? सर? सर के साथ वो क्या क्या बोलता है? मी. सर, मी का क्या मतलब है? हमें मिनिमम सैंपल साइज चाहिए हमें कहीं ना कहीं मिनिमम सैंपल साइज चाहिए सर मिनिमम सैंपल साइज किस चीज के लिए फॉर अ गिवन रिस्क एंड प्रिसीजन जो आपकी सैंपलिंग रिस्क है जो आपकी रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको मिनिमम सैंपल साइज चाहिए तो सैंपलिंग लो तो मोर ऑब्जेक्टिव लार्ज मास ऑफ़ डेटा मिनिमम सैंपल साइज एंड बेस्ट पार्ट क्या है सैंपल साइज बढ़ता नहीं है अगर आप अपनी पॉपुलेशन को डबल कर दो ना तो भी सैंपल साइज डबल नहीं होता यानी द सैंपल साइज डजेंट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन एज द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन सर इतनी अच्छाइयां

देखो भाई मिनट हुए हैं और काफी चैप्टर हो भी गया मिनट में धूम मचा दी तुम सबने रेडी है सर क्या बात है अब आ जाओ सैंपल डिजाइन की बात करेंगे सर जब जब आप बोलते थे सैंपल डिजाइन तो हमें क्या ध्यान रखना है मैंने कहा सिंपल सी बात है आप देखना आपका पर्पस क्या है जैसा आपका पर्पस होगा वैसे आपके प्रोसीजर होंगे हाँ सर प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिलता है एविडेंस मैं आपको दिखाता हूं किस फ्लो में चलना है पहले आपने देखना है आपका पर्पस क्या है सर पर्पस का क्या मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है या अंडर स्टेटमेंट उस हिसाब से आप क्या करोगे सर उस हिसाब से हम अपना प्रोसीजर लगाएंगे तो पर्पस का मतलब आप समझ लो कहीं ना कहीं जो अजर्शन आपने चेक करनी है Assertion का क्या मतलब है सपोज आप चेक करना चाहते हो डेटर तो तो कही है अब ही मैंने कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाया मुझे क्या मिलेगा सर आपको मिलेगी बैलेंस कंफर्मेशन दैट इज योर ऑडिट एविडेंस कहीं ना कहीं आप ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो क्या मिलेगा ऑडिट एविडेंस अच्छा एक बात बताओ इधर देखो क्या हर बार चीज मिसस्टेटमेंट ही होती है आंसर इज नो हर बार मिसस्टेटमेंट नहीं होती फॉर एग्जांपल आपने क्या चीज चेक करनी थी आपने चेक करनी थी एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ये हमारा पर्पस हो गया इस पर्पस के लिए आपने क्या किया आपने कंफर्मेशन भेजी ये आपका प्रोसीजर हो गया और आपको कंफर्मेशन मिल गई अब मान लो आपकी कंफर्मेशन और क्लाइंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा जो आपको कंफर्मेशन में बात पता चली और जो क्लाइंट की बुक्स में लिखा है वो मैच नहीं कर रहा सर वो मैच क्यों नहीं कर रहा तो ये कहता है कस्टमर ने तो पेमेंट कर दी बिफोर द कंफर्मेशन कस्टमर ने तो पेमेंट कर दी बिफोर द कंफर्मेशन बट इट वॉज रिसीव्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो क्या इसमें कोई गलती है क्या आंसर इज नो सर इसमें कोई गलती नहीं है अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो उसकी बुक्स में तो बैलेंस कम हो जाएगा बट अगर आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुई तो आपकी बुक्स में तो बैलेंस ज्यादा रहेगा सो इट इज नॉट कंसिडर्ड अटमेंट ठीक है सर प्लस अगर मैंने दो कस्टमर्स के बीच में हेराफेरी कर दी मैंने ए की जगह बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया कमऑन अगर मैंने ए की जगह बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो क्या ओवरऑल डेटर बैलेंस हिलेगा सारे बच्चे चैटबॉक्स में बताओ सारे बच्चे जल्दी से बताओ कम ऑन एवरीवान ए की जगह बी का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा तो क्या ओवरऑल डेटर बैलेंस में फर्क आएगा क्या नहीं सर ओवरऑल बैलेंस में फर्क नहीं आएगा इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस बट मुझे बताओ कंपनी ए की जगह बी को क्रेडिट क्यों कर रही है कंपनी ए की जगह बी को क्रेडिट क्यों कर रही है सर क्योंकि कंपनी चोर है क्योंकि कंपनी चोर है तो देयर इज रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो सकती है तो देखो क्या कहता है भले ही इसका सैंपलिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बट अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे इफेक्ट आएगा क्यों बिकॉज देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड कहीं ना कहीं जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की टेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे इंपैक्ट आ सकता है तो आपने बस मिला एविडेंस अब एविडेंस में आपने देखना है मिस स्टेटमेंट है या नहीं एविडेंस लेके देखना है कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं एंड लास्ट में कहता है कंप्लीटनेस सर कंप्लीटनेस किसकी जो पॉपुलेशन पे आप

हां मैन कर लो तुमको जैसे याद रखने रखो बट अगर क्रोनोलॉजी में याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी एवरीवन क्लियर है क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन सर ये क्या है ये स्ट्रेटिफिकेशन और वेटेड सिलेक्शन क्या है अपने नोट्स पे आ जाओ सारे बच्चे नोट्स पे आ जाओ और चैट बॉक्स में लिख दो रेडी मजा आ जाएगा रेडी है सर अब सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन पे आते हैं हम क्या चेक कर रहे हैं लेट से यू आर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ डेटर्स डेटर्स hmm. टेस्ट करेंगे ये कहता है मैं डेटर्स को कैसे स्ट्रेटिफाई कर सकता हूं कहीं ना कहीं मैं डेटर्स को कैसे स्ट्रेटिफाई कर सकता हूं तो आप बोल सकते हो कुछ डेटर्स हैं जो ग्रेटर देन टेन लैक हैं, उनको एक ग्रुप में डालो जो डेटर साढ़े सात लाख से दस लाख के, के उनको एक ग्रुप में डालो जो पांच से साढ़े सात लाख के उनको एक ग्रुप में डालो और ऐसे ऐसे करके आपने ढेर सारे ग्रुप्स बना दिए तो सर जब आप डेटर्स के ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो तो इनको क्या कहते हैं स्ट्रेटा इन्हीं को कहते हैं स्ट्रेटा।, है, स्ट्रेटा आपने अलग अलग स्ट्रेटा बना लिए अब ये जो स्ट्रेटा है इनमें से आप क्या करोगे सर इनमें से अब आप चेकिंग शुरू कर दोगे इनमें से अब आप चेकिंग शुरू कर दोगे तो मुझे एक बात बताओ अगर मैंने ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन कर लिया और हर स्ट्रेटा में से सैंपल ले लिए तो क्या ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे आंसर इज यस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे बट क्या मैं हर स्ट्रेटा में से इक्वल कर रहा हूं नहीं जो बड़े बड़े डेटर्स हैं उसमें ज्यादा चेकिंग जो थोड़े कम बड़े डेटर्स हैं उसमें थोड़ी कम चेकिंग थोड़ी चेकिंग बहुत थोड़ी चेकिंग और बिल्कुल ही मामूली चेकिंग तो क्या मैं ऐसा बोल दू? मैंने मैंने पॉपुलेशन भी पूरी कवर कर ली सैंपल साइज भी रिड्यूस कर लिया मैंने पॉपुलेशन भी पूरी कवर कर ली मैंने सैंपल साइज भी रिड्यूस कर लिया क्या आपको नहीं लगता एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट आ जाएगी सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो यस सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो यस हाँ सर स्ट्रेटिफिकेशन करके पूरी पॉपुलेशन भी कवर हो गई और हमारा सैंपल साइज भी कम हो गया यस और नो यस सर अब मुझे बताओ स्ट्रेटिफिकेशन करने का यही तरीका है कि मैं मॉनेटरी वैल्यू पे करूं नहीं सर आप कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हो अब डेटर्स के केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगी कि हो सकता है आपका डेटर ओवर वैल्यूड है

टू टू ईयर ईयर लेस देन मंथ जिसकी ज्यादा एजिंग उसकी ज्यादा टेस्टिंग जिसकी ज्यादा एजिंग उसकी ज्यादा टेस्टिंग तो क्या मैं रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट के बेसिस पे भी टेस्टिंग कर सकता हूं आंसर इज यस आप रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट के बेसिस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं तो सारे बच्चे एक बार अपनी किताब पे आओ तो देखो क्या कहता है स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है ऑडिट एफिशियंसी में बी इंप्रूव्ड कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडिट एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो सर कब जब आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन जिसको कहते हैं स्ट्रैटम तो आप स्ट्रैटम्स बना लो ठीक है सर जब आप स्ट्रेटम बनाओगे तो सर क्या होगा इससे ना कुछ कम होगा मैंने कहा क्या कम होगी वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम जो एक ग्रुप होगा उसमें सारे आइटम्स एक जैसे होंगे तो उनकी वेरिएशन कम हो जाएगी ठीक है सर अच्छा क्या वेरिएशन कम होने से और चीज क्या कम होगी सर आपका सैंपल साइज भी कम हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका सैंपल साइज भी कम हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द ग्रुप आप उस हिसाब से सैंपल साइज सेलेक्ट करोगे एंड लास्ट में क्या नहीं बढ़ेगा सैंपल रिस्क नहीं बढ़ेगी सैंपल रिस्क नहीं बढ़ेगी सैंपल रिस्क क्यों नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन कवर कर ली तो यहां तक आप बेसिकली तीसरी बात ध्यान रखोगे हम स्ट्रेटिफिकेशन क्यों करते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन को बांट देते हैं डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन जिसको कहते हैं स्ट्रेटम अब दो चीजें कम होंगी एक नहीं बढ़ेगी सारे बच्चे बोलो मेरे साथ दो चीजें कम होगी एक नहीं बढ़ेगी बताओ क्या क्या, क्या कम होगा वेरिएबिलिटी कम होगी वेरी गुड सैंपल साइज कम होगा वेरी गुड क्या नहीं बढ़ेगी चैट बॉक्स में बता दो क्या नहीं बढ़ेगी चैट बॉक्स में बता दो मुझे मजा आ जाएगा दो चीजें कम होगी एक नहीं बढ़ेगी मित्रों क्या नहीं बढ़ेगी सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ेगी आ तो सैंपल साइज कम होगा वेरिएबिलिटी कम होगी सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ेगी क्या यहां तक बातें समझ आती हैं? हां अब मैंने आपको बताया था इसको करना कैसे है अरे बाबू इसको करना कैसे है सर बड़ा इजी है या तो आप इसको या तो आप इसको मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे कर दो या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे तो यही बात लिखी है कि कई बार आप इसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हो मॉनेटरी वैल्यू जिसमें आप ज्यादा चेकिंग कब करोगे लार्ज वैल्यू आइटम्स में ठीक है जहां ओवर स्टेटमेंट का ज्यादा चांसेस है दूसरा आप कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक विच इंडिकेट हायर रोमम हायर रोम का मतलब है जब भी आप टेस्ट कर रहे हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो उनको आप कैसे स्ट्रेटिस स्ट्रेटिफाई करोगे एजिंग के बेसिस पे क्या आपके दिल से आवाज आ रही है सर ये सारी बातें तो प्रैक्टिकल है इसमें कोई झंझट ही नहीं है हां तो मैंने कब कहा बस यही चार बातें आपने ध्यान रखनी है फटाफट फड़ हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्यों करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्यों करते हैं सर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है सर दो चीजें कम होती है वेरिबिलिटी कम होती है सैंपल साइज कम होता है और सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ती दो तरीके बता दो स्ट्रेटिफाई करने के मोनिट्री वैल्यू के बेसिस पे एंड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के बेसिस पे यानी आप एजिंग के हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हो इफ ऑल द थिंग्स स्टिल हेयर आर क्लियर मैं आपको ले चलता हूं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन आगे के जो पॉइंट्स है वो मैं बाद में कवर कराऊंगा जब हम प्रोजेक्शन को रिवाइज करेंगे यहां तक बता दो इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ इन द चैट बॉक्स कम ऑन डन सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब मालिक ये वैल्यू वेटेड से आप हैं डेटर एफ ये डेटर्स मैंने आपको दे दिए ठीक है सर क्लाइंट इस तरह से आपको डेटा देता है अब आपने इसको सॉर्ट कर लिया हाई टू लो पचास लाख के डेटर इनको हाई टू लो जमा दिया अब जैसी मैंने इनको सॉर्ट किया हाई टू लो मैंने देखा कि जो तीन डेटर्स है ना ये जो तीन डेटर्स हैं अगर इन्हीं को मैं चेक कर लूं तो मुझे 90 परसेंट पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ जाएगा मैं सिर्फ ये टॉप थ्री डेटर्स को चेक कर लूं तो मुझे 90 परसेंट डेटर्स पे कंफर्ट आ जाएगा मुझे बताओ कौन सी ऐसी मॉनेटरी वैल्यू है कौन सी ऐसी मॉनेटरी वैल्यू उठाई जिसको ध्यान में के आप ऐसा कह सकते हो कि सर मैंने तीनों डेटर्स उठाए होंगे विच इज द मॉनिट्री वैल्यू कॉमन इन दीज थ्री डेटर्स ए सी और बी बता दो जल्दी से विच मॉनिटरी वैल्यू इज कॉमन इन ए सी एंड बी बताना जरा फाइव लैख और मोर विधि ने बिल्कुल सही बोला सर पांच लाख की एक ऐसी मॉनिटरी वैल्यू है जो इन तीनों में कॉमन है क्या मैं ऐसा बोल दू हां तो यही बात है सर मॉनिट्री वेटेड सिलेक्शन की मोनिट्री सिलेक्शन क्या कहती है ध्यान से समझना जब भी आप पीओडी कर रहे हो तो इट विल बी एफिशियंट टू आइडेंटिफाई द सैंपलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनिटरी ए सी बी ई एफ डी हाँ मैंने अपना सैंपल इंडिविजुअल बैलेंसेस पे चेक किया ठीक है सर अब ये जो इंडिविजुअल बैलेंसेस थे मैंने सेलेक्ट कैसे करे सर उन बैलेंसेस को सिलेक्ट किया उन बैलेंसेस को सिलेक्ट किया जिनके अंदर वो मॉनिट्री यूनिट इंक्लूड था तो हमारे एग्जांपल में मॉनिट्री यूनिट था पांच लाख ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं अगेन यहां पे अपना एफर्ट किस पे डाल रहा हूं लार्ज वैल्यू आइटम्स जो लार्ज वैल्यू आइटम्स है जो 90% परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं उसको चेक कर रहा हूं एंड इससे मेरा सैंपल साइज भी कम हो जाता है इससे मेरा सैंपल साइज भी कम हो जाता है तो बस ये तीन बातें ध्यान रखना सर क्या जो हमारी सैंपलिंग होती है वो किसके ऊपर बेसिस होती है इंडिविजुअल बैलेंसेस ठीक है सर इंडिविजुअल बैलेंसेस मुझे कौन से लेने जिसमें वो मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड है जैसे कि पांच लाख रुपए जिस जिस के अंदर पांच लाख रुपए इंक्लूडेड है मैंने उसको चेक कर लिया तो इससे क्या हुआ सैंपल साइज कम हो गया कहीं ना कहीं सैंपल साइज कम हो गया और आपने लार्ज वैल्यू आइटम्स पे अपना एफर्ट डाल दिया इज द वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्लियर क्विकली गिव गिवी थम्स अप इन द चैट बॉक्स जल्दी से बस फिर हम चल रहे हैं सैंपल साइज के ऊपर साइज एंड सैपल साइज किन फैक्टर से अफेक्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक अभी हम यहां पर कवर कर लेंगे awesome. ठीक है, सर अब सैंपल साइज का क्या मतलब है यह कहता है जब भी आपको सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस करनी है उस हिसाब से आपने सैंपल साइज लेना है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में बताना अगर मेरे को लगता है सैंपलिंग रिस्क कम करनी है कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं सैंपलिंग रिस्क कम करनी है यानी मेरी जो सैंपल साइज है वो पॉपुलेशन जैसा ही होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जैसे ही होनी चाहिए तो मुझे टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी इफ आई वॉन्ट टू रिड्यूस द सैंपलिंग रिस्क तो मुझे बताओ टेस्टिंग बढ़ाऊं या कम करूं पार्थ ने कहा सर ज्यादा बढ़ाओ खुशी ने कहा ज्यादा करो सब ने एकदम सही कहा सर इस केस में आपकी टेस्टिंग बढ़ जाएगी तो ये याद रखना लेवल ऑफ सैंपलिंग रिस्क

कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है यानी क्या आपने कंट्रोल रिस्क लोअर मानी है हाँ. तो जब आपने कंट्रोल रिस्क लोअर मानी है तो क्या आपको कंट्रोल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी हाँ सर करनी पड़ेगी तो जितना आपने इसको लोअर माना है जितना आपने इनको इफेक्टिव माना है उतनी टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी उतना चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअल में इफेक्टिव है या नहीं तो जितना जितना आपकी रिस्क असेसमेंट में आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है उतनी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्या ये लॉजिकल सी बात समझ आती है हाँ सर अगला कहता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेविएशन सर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज जस्ट लाइक अ टॉलरेबल टॉलरेबल स्टेटमेंट के ऊपर जितने भी आइटम्स होते हैं आप चेक करते हो हाँ? तो अगर मैं टॉलरेबल मिस्टेटमेंट ऊपर कर दूंगा तो नंबर ऑफ आइटम्स टू बी टेस्टेड बढ़ेंगे या कम होंगे बताना चैट बॉक्स में ये मेरा मीटर है ठीक है इसके ऊपर चीजें चेक करनी है तो अगर मैंने मीटर को ऊपर करके यहां ले आया तो क्या यह चेक करना पड़ेगा नहीं सर आपको फिर यह सारी चीजें चेक नहीं करनी पड़ेंगी तो क्या मैं बोल दू टेस्टिंग कम हो गई कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग कम हो गई आंसर इज यस सो इट विल लीड टू अ डिक्रीज इन द टेस्टिंग अगली चीज इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज जस्ट लाइक सेइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट ज्यादा है अगर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो मुझे बताओ क्या आप डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहोगे हां अगर डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो टेस्टिंग बढ़ेगी या कम होगी सर यहां भी टेस्टिंग बढ़ेगी सो अगेन इट विल लीड टू अ इंक्रीज इन द टेस्टिंग येस और नो येस सर अगला कहता है ऑडिटर का ना डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस सर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सीडेड बाय

इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है सर ये ये प्रोसेस की टेस्टिंग है कहीं ना कहीं प्रोसेस की टेस्टिंग है तो जो प्रोसेस 100 आइटम के लिए सही चलेगा वो प्रोसेस हजार आइटम्स के लिए भी मोटा माटी सही चलना चाहिए हाँ सर तो अगर 100 से हजार हो भी जाते हैं अगर 100 से हजार हो भी जाते तो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं सर क्योंकि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस की टेस्टिंग है तो इसके ऊपर नेग्लेजिबल इफेक्ट आएगा इसके ऊपर सर क्या आएगा इसके ऊपर क्या आएगा आएगाजेबल इफेक्ट तो आपने ना इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है जस्ट कॉन्सेप्चुअली बस चीजों को गो थ्रू करो और आपको खुद पता चल जाएगा कहां इंक्रीज और कहां डिक्रीज होना चाहिए अब ये जो टेस्ट ऑफ डिटेल है इसमें भी सेम सेम पॉइंट से। सारे बच्चे फटाफट -फड़ बताते जाना अगर मेरे को लगता है रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी डिटेक्शन रिस्क कम करने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी तो इट विल इंक्रीज अगर मुझे बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाता है तो क्या मुझे ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है नहीं सर जब आपको बाकी प्रोसीजर से सेम चीज के लिए एविडेंस मिल गया तो अब आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है योर टेस्टिंग कैन कहीं ना कहीं डिक्रीज ठीक है सर अगेन लेवल ऑफ अश्योरेंस बढ़ गया तो जब जब अश्योरेंस का लेवल बढ़ाना है तो ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है इंक्रीज इन द टॉलरेबल मिस्टेटमेंट अब आप ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो लॉजिकली सोचो आप ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है कम टेस्टिंग से भी काम चल जाएगा इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट जो आपको लगता है पॉपुलेशन में मिलेगी आपको लगता है पॉपुलेशन में ज्यादा मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो ज्यादा टेस्टिंग करो अगेन इंक्रीज द टेस्टिंग एंड आखिरी में कहता है स्ट्रेटिफिकेशन अब आप मुझे बता दो स्ट्रेटिफिकेशन से एफिशिएंसी आती थी हां तो क्या कम होता था सैंपल साइज बढ़ता था या कम होता था ये सारे बच्चे बताना चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे ला... <laughs> आपका स्ट्रेटिफिकेशन में सैंपल साइज बढ़ जाता था कम हो जाता था सर ये तो अभी हमने पढ़ा ना सैंपल साइज विल रिड्यूस कहीं ना कहीं जो हमारा सैंपल साइज है है वो कम हो जाता इट विल डिक्रीज ठीक है ठीक है सर अब ये जो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग पेन है सर ये क्या है ये जनरल दीज आर द जनरल पॉइंट अभी आईसीआई क्वेश्चन को नवंबर 23 में भी पूछा तो बहुत सिंपल है मैं बताऊं क्या सर दो पॉइंट्स तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके हो गए लगभग आई थिंक तीन पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके सर ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या पॉइंट्स हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी चेकिंग वगैरह होगी ठीक है सर प्लस उसका स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसा है अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ज्यादा टेस्टिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ठीक है तो इंटरनल कंट्रोल्स हो गए अब अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स भी अच्छे होंगे यानी रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स तो ये तीन चीजें बस आपने ध्यान रखनी है तीन बातें क्लाइंट की क्लाइंट की साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल टॉलरेट कर रेंज प्लस उसको कितनी अश्योरेंस चाहिए डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस या डिजायर्ड कॉन्फिडेंस तो ये आपने बस तीन पांच बातें ध्यान रखनी तीन बातें क्लाइंट की दो बातें ऑडिटर की एक बार मुझे रिकॉल कराओ ना आराम से टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीद आउट बताओ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेजेशन का कंट्रोल अगर कंट्रोल अच्छा है तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स भी अच्छे होंगे ठीक है सर ये तीन पॉइंट तो ऑर्गेनाशन के हो गए दो पॉइंट ऑडिटर के क्या थे सर ऑडिटर की टॉलरेंस ऑडिटर का कॉन्फिडेंस ऑडिटर की टॉलरेंस ऑडिटर का कॉन्फिडेंस कि अगर ऑडिटर टॉलरेट ज्यादा कर सकता है तो कम सैंपल साइज भी चलेगा बट अगर ऑडिटर को कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो उसको ज्यादा सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट यस सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ अब बस ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस लेने वाला है सर दो टॉपिक्स हमारे पास मोटा माटी रह गए हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, यानी सैंपलिंग मेथड्स की बात करेंगे और उसके बाद सैंपलिंग प्रोसीजर पे आ जाएंगे सिलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ टेस्टिंग कैसे करना है क्या ये सिलेक्शन बायस्ड होनी चाहिए नहीं सर एकदम अनबायस्ड होनी चाहिए हर आइटम के पास चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए नॉन प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है तो फिर आप जजमेंट यूज कर सकते हो अब ये सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या होते हैं बहुत ईजी होते हैं सारे बच्चे पानी के दो घूंट लगाओ और चैटबॉक्स में लिखो रेडी मजा आएगा बहुत ईजी वाला टॉपिक आ गया अब। ऑसम awesome. शोभित मैंने सीए फाइनल एस के जितने भी रिविजन थे क्लास के साथ करा दिए तो इफ यू आर ए क्लास स्टूडेंट यू मस्ट बी हैविंग दैम इन योर फोल्डर आ जाओ रेडी है सर अब सर सैंपल सिलेक्शन मेथड में क्या क्या सैंपल सिलेक्शन मेथड है है सबसे पहले आता रैंडम सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग का मतलब है जैसे बचपन में होता था ना हाउस हाउसी खेलते थे तो हाउस ही खेलते थे तो एक आंटी खड़ी होती थी ना वो ऐसे मतलब उसमें से चिट्स निकालती थी हाँ तो वो रैंडमली सेलेक्ट करती थे हम बोलते थे शेक 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 तो फिर वो ऐसे शेक 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 करके निकालती थी तो उसको क्या कहते हैं उसी को कहते हैं रैंडम सिलेक्शन तो ये कहता है जब भी जब भी आप रैंडम सैंपलिंग करोगे जब भी आप रैंडम सैंपलिंग करोगे यूज ऑफ रैंडम रैंडम नंबर टेबल इसको क्या कहते हैं सैंपलिंग अब ये दो तरीके की रैंडम सैंपलिंग होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब यूज करेंगे जब पूरी पॉपुलेशन एक जैसी है जब पूरी पॉपुलेशन ही एक जैसी है तो आप उसको स्ट्रेटिफाई क्या ही करोगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करो तो यह कहता है एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इट इज वेरी सिंपल वेरी इजी टू यूज कुछ नहीं करना बस बटन दबाना रैंडमली सारे नंबर निकल के आ जाएंगे ठीक है जो ऑडिटर की बायस है इसमें कुछ भी

अब सर एक बात बताओ जैसे ये पचास हजार से दो लाख के बट अगर ये रेंज बहुत बड़ी हो गई तो क्या करें तो सर आप स्ट्रेटिफाई कर सकते हो सारे बच्चे बोलो मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो सर आप स्ट्रेटिफाई कर सकते हो स्ट्रेटिफाई कैसे किया जाता है ये सब आपको पता है उसमें से आप प्रपोर्शनेट आइटम सेलेक्ट करते हो, जैसे हमने example में देखा, कहीं 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 पे 50%, कहीं पे पे तो पॉपुलेशन आप छोटी छोटी बनाओगे और हर छोटी पॉपुलेशन से प्रपोर्शनेट आइटम्स टेस्ट करते जाओगे ठीक है सर अब ये कितनी ग्रुप्स बनाने हैं क्या कहीं पे लिखा है ये कितने ग्रुप्स बनाने नहीं कहीं पे नहीं लिखा ये कितने ग्रुप्स बनाने तो इट इज मैटर ऑफ

यहां पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं ये एक डायवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो जब डायवर्सिफाइड पॉपुलेशन हो ना तो आपको वेट्स देने पड़ेंगे तो आपने वेट्स एलोकेट करने पड़ेंगे सर वेट्स एलोकेट मतलब अगर पॉपुलेशन मोटी वाली है तो इस पर ज्यादा वेट अगर पॉपुलेशन कम मोटी है तो कम वेट अगर पॉपुलेशन थोड़ी और पतली है तो उस पर थोड़ा कम वेट और बहुत कम पॉपुलेशन है तो थोड़ा कम वेट और एकदम पॉपुलेशन है तो और कम वेट तो ये कहता है, वेट कैसे देते हैं yes, तो बस आपने दो रैंडम सैंपलिंग ध्यान रखनी है सिंपल वाली और स्ट्रेटिफाइड वाली जो सिंपल है नाम से पता लग रहा है इट इज इजी टू यूज कहीं ना कहीं इट इज इजी टू यूज और ये कब यूज होती है जब आपकी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं यानी दीज आर सिमिलर यूनिट्स इन अ गिवन रेंज अगर ये सिमिलर नहीं है डायवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो स्ट्रेटिफाइड पे आ जाना स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है क्रोनोलॉजी में चलना छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे उसमें से पॉपुलेशन उसमें से सैंपल निकालेंगे अब ये ग्रुप कितने बनाने हैं मुझे नहीं पता इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट अब ये सर

बैंड जाएगी तो जितना आप क्रोनोलॉजी में चलोगे उतना आपको आसानी रहेगी क्या यह बात समझ आती है जल्दी से सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो बॉक्स में। को कितना भाव देना है कितनी चेकिंग करनी है उसका मतलब है उसको कितना वेट देके चल रहे हैं क्या बात है इतनी बार देख लिया कि सर जहन में उतर गया क्या बात है वैशाली जी बहुत ही बढ़िया अब सर सारे के सारे बच्चे आ जाओ ये इंटरवल सैंपलिंग पे ये इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमेटिक सिलेक्शन क्या थी ध्यान से समझना ये कहता है कि आपके पास मान लो जो पॉपुलेशन है उसमें पांच हजार यूनिट है ठीक है सर अब ये पांच हजार यूनिट में से आपको कितने सैंपल चाहिए सौ सैंपल चाहिए तो सैंपलिंग इंटरवल क्या होगा सैंपलिंग इंटरवल होगा फाइव थाउजेंड यूनिट डिवाइडेड बाय हंड्रेड कितना आ गया सर ये आ गया फिफ्टी यानी आपने फिफ्टी आइटम सेलेक्ट करना है आपने जो भी फिफ्टी आइटम से वो सिलेक्ट करोगे तो जैसे जैसे आप फिफ्टी आइटम उठाते जाओगे ना आपके सौ सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे अब शुरू कहां से करें अब शुरू कहां से करें तो ये कहता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आप रैंडमली डिटरमाइन कर लो, लो स्टार्टिंग तो कि पॉइंट तो आपका एक सैंपलिंग इंटरवल निकल आता है जो स्टार्टिंगली निकाल सकते हो बट अगर रैंडमली निकालोगे तो बेटर रहेगा अब सर एक बात बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि एवरी फिफ्टी आइटम इज एक जैसा <laughs> जो सारे फिफ्टी एथ आइटम है वो सब एक जैसे हैं तो अगर फिफ्टी एथ आइटम एक जैसे होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था क्लास में जिसको याद है एक बार क्लास में बताओ ना सारे बच्चे बताओ अगर एवरी फिफ्टी एथ आइटम इज एक जैसा तो फिर मेरी पॉपुलेशन का कैसे मुझे पता चलेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी इसका क्या करें सर मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स रखो तो ध्यान रखना अगर सैम्पलिंग यूनिट स्ट्रक्चर्ड है इन अ वे दैट वो एक पर्टिकुलर पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करोगे सर हम मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स ले लेंगे हम कहीं ना कहीं मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे तो अगर मल्टीपल पॉइंट होंगे तो फिर आपकी जो रिस्क है कि वो पॉपुलेशन सैंपलिंग पैटर्न को पैटर्न को लेके जो रिस्क है वो पैटर्न की रिस्क कम हो जाएगी कि ये जो इंटरवल पे सैंपल्स हैं ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये जो रिस्क है ये कम हो जाएगी सो हैविंग मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंटरवल सैंपलिंग पैटर्न विद दैट ऑफ पॉपुलेशन बिंग सैंपल लास्ट बार रिवाइज करें फटाफट समझना व्हाट वॉज सैंपलिंग इंटरवल सैम्पलिंग सर इसमें कुछ भी नहीं है आपने बस देखना है नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन डिवाइड बाय द सैम्पल साइज तो आपके पास सैंपलिंग इंटरवल आ जाएगा अब स्टार्ट कहां से करना है? इसको हफाजाडली निकाल लो या फिर आप इसको

आर्ड में क्या होता है कोई टेक्निक नहीं है कोई टेक्निक नहीं है जैसे मोस्टली सी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना आज ऑडिट पढ़ लिया कल अकाउंट्स पढ़ लिया परसों लॉ पढ़ लिया परसो टैक्स पढ़ लिया तो उनको समझ ही नहीं आता क्या पढ़ लिया क्या छूट गया ठीक है तो ऐसे ही हाँ कि कोई टेक्निक ही नहीं है कोई स्ट्रक्चर टेक्निक ही नहीं है तो ये कहता है विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर टेक्निक तो जब कोई स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं हो रही तो क्या लगता है statistical sampling और इसकी इसकी बनेगी नहीं सर इसकी और स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग की बिल्कुल नहीं बनेगी अब आता है ब्लॉक सिलेक्शन सर ब्लॉक सिलेक्शन का क्या मतलब है जो आइटम्स एक साथ है ना पॉपुलेशन में जो आइटम्स एक साथ जुड़ के बैठे हैं उनको आपने सीधा एज अ सैंपल उठा लिया मुझे बताओ क्या क्लास में भी ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे साथ बैठे होते हैं वो एक जैसे होते हैं और जो बाकी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं वो अलग होते हैं हाँ तो क्या ये जो ब्लॉक सिलेक्शन है क्या ये रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ द पॉपुलेशन बताना जरा बॉक्स में। बताना जरा जरा में में अगर मैं ब्लॉक सिलेक्शन कर रहा हूं यानी जो आइटम साथ है जुड़े हुए हैं क्या वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ द पॉपुलेशन आंसर इज नो क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगे ऑफ द पॉपुलेशन आप इसको ऑडिट में यूज नहीं कर सकते आप इसको ऑडिट में यूज नहीं कर सकते तो देखो क्या कहता है सेलेक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम कंटीजियस यानी जुड़े जुड़े एक साथ जुड़ के बैठे आइटम इट कैन नॉट बी यूज इन ऑडिट सैंपलिंग क्यों क्योंकि ये ये खुद के तो एक जैसे होंगे खुद के तो एक जैसे होंगे बट जो पॉपुलेशन में बाकी आइटम्स हैं वो इनसे अलग होंगे दे विल हैव सिमिलर टू अदर बट डिफरेंट फ्रॉम द आइटम्स इन द पॉपुलेशन तो आप इसको आप इसको ऑडिट में यूज नहीं कर सकते हाँ बीबी सर आए थे क्लास में अनुराग को क्लास वाला एग्जांपल याद है अब आ गए हैं हम लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर सारे बच्चे सुनो ना मेरी बात हे 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 फाइव मिनट्स का एक स्मॉल सा ब्रेक लेते हैं ठीक है आई जस्ट फिल माई वॉटर बॉटल एंड बी राइट बैक पांच मिनट में आपको एकदम बढ़िया वाले गाने चला के देता हूं उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करते हैं चलेगा जल्दी से बता दो मुझे कम ऑन एवरी वन क्योंकि सारी चीजें फ्लो फ्लो में मैं आपके निपटवा दूंगा बस तीन पेज रह गए हैं। चलेगा क्या चलेगा सर दौड़ेगा बहुत बढ़िया इंजॉय द ब्रेक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर चैनल पे स्ट्राइक नहीं आते नहीं यार हमने मोनिटाइज ही नहीं कर रखा कोई टेंशन ही नहीं है टी सीरीज और वाली और हमारी दोस्ती है मैंने टी सीरीज से फ्रेंडशिप कर रखी है मैंने कहा टी सीरीज वालों को कि आपकी फैमिली में जो भी सीए करेगा ना वी एट बीबी वर्चुअल्स विल टेक केयर ऑफ इट बीबी सर डीटी पढ़ाएंगे मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा आकाश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो हम सब देख लेंगे ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे गाने चला लिया करो मैंने कहा वेरी गुड डन डील डन क्या फालतू बात करी सर अब इधर आ जाओ

Entity से कोई डेटर छूटा तो नहीं तो मैं क्या देखता हूं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ कि कोई पैसा अगर आया है तो क्या ये किसी हिडन डेटर से तो नहीं आया तो ये कहता है आपने परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सेलेक्टेड आइटम्स विच आर एप्रोप्रिएट टू द पर्पज यानी जैसी अजर्शन वैसा आप अपना ऑडिट प्रोसीजर करोगे क्या ये बेसिक बात समझ आती है हाँ सर अब सर इसमें हमने मसाला ऐड किया एंड ये जो मसाला था ये तीन स्टेजेस में ऐड किया था एसके का मसाला पहला एसके मसाला क्या था कि सर जब आप अपना ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो किसी सेलेक्टेड आइटम पे जब आप अपना ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो किसी सेलेक्टेड आइटम पे और वहां पे इशू निकलता है तो अगर कोई इशू मिलता है तो आप इशू को वेरीफाई करोगे ठीक है सर अभी हम इसके एग्जाम्पल कवर करेंगे डोंट वरी तो आप इशू को वेरीफाई करोगे और हार निमानोगे जिंदगी में हार नहीं मानोगे आप इसका ऑल्टरनेट या रिप्लेसमेंट आइटम पकड़ोगे ठीक है सर बट सर अगर ये ऑल्टरनेट और रिप्लेसमेंट आइटम ही नहीं है यानी आप ये वाला जो ऑडिट प्रोसीजर है ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे मैंने कहा फिर भी गिव अप नहीं करेंगे फिर भी गिव अप नहीं करेंगे अगर ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म कर सकते तो क्या करेंगे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर समझ गए सर अब मान लो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं कर पा रहे ना तो आप ऑडिट प्रोसीजर कर पा रहे हो ना ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर पा रहे हो तो सर इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इस एरिया में गलती होगी इसको कहते हैं इस एरिया में गलती होगी तो अगर ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो इसका नाम होता है मिस स्टेटमेंट अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो इसको क्या बोलते हैं डेविएशन। तो बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि और अगर आप ऑडिट प्रोसीजर याट प्रोसीजर दोनों ही नहीं कर पा रहे तो पक्का पक्का बाबू गलती है पक्का यहाँ पे गलती है सर गलती को क्या कहते है टेस्ट ऑफ डिटेल्समेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेवियशन यही बात आपके नोट्स में लिखिए तो देखो क्या कहते हैं परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड अब आता है सर केस नंबर वन मसाला नंबर वन क्या था सर मसाला नंबर वन बड़ा सिंपल था इफ़ एन ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टेड आइटम तो गिव अप कर दे क्या नहीं सर आप ऑल्टरनेट या रिप्लेसमेंट आइटम चेक करोगे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने ना पेमेंट चेक करनी है आपने एंटिटी की पेमेंट ऑथोराइजेशन चेक करनी है तो इसके लिए आपने क्या किया कोई चेक सेलेक्ट किया अब जो चेक सेलेक्ट किया किस्मत इतनी खराब की कैंसिल्ड चेक निकला तो कैंसिल्ड चेक क्या इशू बन गया हाँ अब इस इशू को चेक करो कि चेक प्रॉपरली कैंसिल हुआ या नहीं ओ। अगर चेक प्रॉपरली कैंसिल्ड है तो अब मैं क्या करूं ऑल्टरनेट चेक सेलेक्ट करो अब रिप्लेसमेंट विल बी अ वैलिड चेक जिसके थ्रू पेमेंट हुई है क्या यह बात समझ आई हां सर इसी तरह अगर आपको एंटिटी की सेल्स चेक करनी थी सर कौन सी सेल्स चेक करनी थी डिजिटल सेल्स चेक करनी थी तो अगर एंटिटी की कंप्यूटराइज सेल्स आप चेक कर रहे हो और आपने जो सेल आइटम पकड़ा सेल्स रजिस्टर से जो आपने सेल्स पकड़ा आइटम सेल्स रजिस्टर से उसमें आपको मिल गया कोई मैनुअल बिलिंग वाला आइटम हम्म अब अगर मैनुअल बिलिंग मिल गई है तो क्या ये इशू है हाँ। इस इशू को चेक चेक करो कि 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 मैनुअल बिलिंग प्रॉपर हुई की थी की नहीं यानी द करेक्टनेस ऑफ द मैनुअल बिल समझ गए सर अब इसका ऑल्टरनेट आइटम क्या होगा कोई कंप्यूटराइज सेल इसका ऑल्टरनेट आइटम होगा कोई कंप्यूटराइज सेल आप इसका ऑल्टरनेट आइटम चेक करके चलोगे ठीक है अब सर मसाला टू क्या था जल्दी से बताओ मसाला टू यह था कि रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है हमें रिप्लेसमेंट आइटम भी नहीं मिल रहा तो क्या मैं बोल दूं ऑडिट प्रोसीजर ही पॉसिबल नहीं है तो अगर ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे सर ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो जो आपका मसाला नंबर टू था वो यही था कि इफ अ पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल देन परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अब ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है ध्यान से समझना क्या यही मसाला टू के एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल आप एंटिटी की सेल्स चेक करना चाहते हो हाँ सर, चेक करना चाहते हैं अब सेल्स सेल्स चेक चेक करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा इनवॉइस तो ये कहता है कि अगर सेल्स इनवॉइस नहीं मिल रहा ठीक है अगर सेल्स इनवॉइस नहीं मिलता तो इसका ऑल्टरनेट क्या है सर डेटर से कंफर्मेशन ले लो तो हमने क्या करा डेटर से कंफर्मेशन ली ताकि हम एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन देख पाए मान लो कन्फर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है मान लो कन्फर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है तो सर क्या करें डेटर ने पैसा तो दिया होगा ना तो जो आपकी रियलाइजेशन हुई है डेटर से सब कैश रिसीट उसको आप चेक कर सकते हो उसको आप चेक कर सकते हो मसाला थ्री पे आ जाओ मसाला थ्री क्या था सर मसाला थ्री था अगर ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा मतलब गलती है यानी आप क्या बोलोगे आप सीधा बोलोगे कि अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो तो इसका नाम हो गया डेविएशन एंड अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो तो इसका नाम है मिस्टेटमेंट आर द थ्री मसाला क्लियर टू यू क्विकली टाइप इन डन डन आर डन डन। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं बता दो सारे बच्चे क्या ये तीनों बातें क्लियर है एकदम कड़क बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब सर बेस्ट टॉपिक ऑफ सैंपलिंग मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक ऑफ सैंपलिंग आ जाओ मेरे साथ याद है आप अभी डेटर्स की टेस्टिंग कर रहे थे हाँ पांच मिनट बस अब मुझे दे दो पांच मिनट आपने कुछ नहीं बोलना चैट बॉक्स में कोई चूचा नहीं करनी यहां फोकस करना है ठीक है ठीक है सर ये देखो आपने डेटर्स पकड़े थे पचास लाख के हाँ अब हम इन पचास लाख के डेटर्स की टेस्टिंग करेंगे बड़ा मजा आएगा ये कहता है ये सारे डेटर्स हैं आपने क्या कहा था कि भाई मैं ऊपर ऊपर के बस 90% परसेंट वाले डेटर्स चेक करूंगा तो आपने इनकी टेस्टिंग शुरू करी जो 30 लाख ,00 के डेटर्स थे उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं मिली सब एकदम चकाचक था अब जब आपने दस लाख ,00 के डेटर्स की टेस्टिंग करी तो आपको इसमें गलती मिली आपको इसमें गलती मिली और सर गलती क्या थी It was the only foreign debtor. ये ना इट वॉज गलती, गलती मिलती है तो आप गलती का रीजन भी देखते हो तो यह पता लगा कि डेटर था और आपको पता होगा जो भी फॉरन बैलेंसेज होते हैं उनको रुपीज में रिस्टेट किया जाता है हाँ सर रुपीज में रीस्टेट किया जाता है तो अकाउंटेंट ने फॉरेक्स कन्वर्जन में गलती कर दी एंड टू बी फॉर सिंप्लिसिटी हम मान के चल रहे दस लाख रुपए की गलती है ही है ठीक है सर अब पांच लाख रुपए जब चेक करे तो उसमें भी गलती मिली अब सर इसमें क्या गलती थी इसमें गलती ऐसी थी कि जो मार्च 2024 की सेल्स है पूरे महीने की सेल्स यही रिकॉर्ड नहीं हुई है पूरे महीने की सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं हुई है तो ये पांच लाख की भी गलती आ गई तो मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ जब मैं ये मिस स्टेटमेंट निकालूंगा इस सैंपल में से जब मैं ये मिस स्टेटमेंट निकालूंगा इस सैंपल में से तो इस सैंपल में मिस स्टेटमेंट कितने की है पंद्रह लाख रुपए की है सैंपल कितना चेक किया 45 फाइव लैख का चेक किया तो क्या मैं एस्टिमेट करते वक्त ये बोल दू 15 लैख डिवाइडेड बाय 45 फाइव लैख इन टोटल पॉपुलेशन आंसर इज नो मुझे बताओ इसमें गलती क्या है मुझे बताओ सारे बच्चे इसमें गलती क्या है प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स वॉट इज द गलती बता दो जल्दी से वॉट इज द मिस्टेक हेयर मैं पंद्रह लाख को जब प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो सर इसमें गलती क्या है सर आपने एनॉमली को भी प्रोजेक्ट कर दिया ये जो दस लाख की गलती है क्या ये दस लाख की गलती पूरी पॉपुलेशन में है नहीं ये दस लाख की गलती पूरी पॉपुलेशन में नहीं है तो आप इसको प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो जब आप अपना एस्टिमेटेड स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो दस लाख को अलग से लेना जब आप एस्टिमेटेड स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो दस लाख को अलग से लेना अब दस लाख के अलावा क्या क्या, क्या? अमाउंट बच गई उसमें प्रोजेक्शन कर लो यानी आप बोलोगे गलती अब पंद्रह की नहीं सिर्फ पांच लाख की है अब ये पांच लाख किसमें से चालीस लाख पांच लाख किसमें से फोर्टी फाइव लैख में से या फोर्टी फाइव लैख माइनस टेन लैख सर 45 लाख लैख माइनस टेन लैख दैट इज 35 लाख सो पांच लाख की गलती है पैंतालीस लाख में और जो पॉपुलेशन है अब ये पॉपुलेशन आप 50 लाख लोगे या 40 लाख सर पॉपुलेशन में से भी 10 लाख उड़ा देंगे तो यहां 40 लाख लेंगे तो एनॉर्मली को बस अलग ले लेना जो गलती बाकी हो जैसी नहीं है इसको अलग से ले लिया और बाकी में आपने प्रोजेक्शन करा तो आपका एस्टिमेटेड स्टेटमेंट पता है कितना निकल के आया 15.71 लाख सेवन वन लैख आपकी स्टेटमेंट सेवन वन लैख आ गई अब क्या करें अब क्या करें मालिक मैंने कहा बड़ा सिंपल है अब आप चेक करो आपकी टॉलरेबल मिस्टेटमेंट क्या है मान लो आपकी जो टॉलरेबल मिस्टेटमेंट है वो दस लाख है आपकी जो टॉलरेबल मिस्टेटमेंट है दस लाख है सारे बच्चे बताओ क्या तुमको बेचैनी हो रही है हां सर ये तो टॉलरेबल मिस्टेटमेंट से ज्यादा गलती है तो हमको एक्चुअल मिस्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन में एक्चुअल मिस्टेटमेंट क्या है तो मुझे एक बात बताओ जब टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा का एस्टीमेट आ जाएगा तो क्या मैं बोल दू पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ गया नहीं कोई कंफर्ट नहीं आया तो आप बोलोगे रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रीच हमको पॉपुलेशन पे कंफर्ट नहीं आया रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नहीं मिला बट अगर मैं कहता टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट थर्टी लैक्स है अगर मैं कहता टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट थर्टी लैक्स है और आपका जो एस्टिमेट है वो सिर्फ फिफ्टीन पॉइंट सेवन वन लेक है तो बहुत दूर है ना आपकी टॉलरेंस तो बहुत ज्यादा है एस्टिमेट तो बहुत कम है तो क्या मैं बोल दू पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ गया आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन मिल गया क्या रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन ही आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव लिखा था मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा तो जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था कहां लिखा था ये देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन चाहिए या नहीं चाहिए तो यही आप यहां पे चेक कर रहे हो कि जो आपका एस्टिमेटेड एस्टिमेटेडमेंट है अगर तो ये टॉलरेंस से कम है तो तो फिर रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन मिल गया बट अगर आपका एस्टिमेटेड स्टेटमेंट टॉलरेंस से ज्यादा है या टॉलरेंस के आसपास है तो आप बोलोगे कंफर्ट नहीं मिला सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताओ इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस और नो कम ऑन इज दिस पॉइंट क्लियर जल्दी से बता दो बात समझ में आई है भैया बात समझ में आई यस सर यस सर यस सर यस सर क्या अब हम सब क्या अब हम सब एक बार प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का थ्योरी पढ़ ले मित्रों 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 एवरी वन सेट और नॉट जल्दी से बताओ नाउ इज इट ओके एवरी वन इज बैक चलो हाँ तो हम क्या कह रहे थे जब भी कोई मिस स्टेटमेंट मिलेगी जब भी कोई मिस्टेटमेंट मिलेगी तो तुमको क्या देखना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट है या एनोमली तो जब भी मिस्टेटमेंट मिलती है तो उसका नेचर एंड कॉज देखो तो जैसा हमने एग्जांपल में किया था कि अगर आपको कोई मिस्टेटमेंट मिलती है तो आपने इसका नेचर एंड कॉज देख के चलना है ठीक है सर जब आप नेचर एंड कॉज देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है पॉसिबल इफेक्ट यानी आप एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट निकालोगे ठीक है सर एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में आप किसी मिसस्टेटमेंट या डेविएशन को क्या मानोगे एनोमली मानोगे सर एनोमली का क्या मतलब है इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव यह कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन सर कैसे पता चलेगा इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे टू गेट एविडेंस दैट इट इज नॉट अफेक्टिंग द पॉपुलेशन तो बस इतनी सी बात समझ के चलना कभी भी कोई गलती मिलती है तो उसका रीजन समझना उसका नेचर एंड इफेक्ट समझना अगर आप नेचर एंड कॉज समझोगे तो आपको पता चलेगा वो एनोमली है या नहीं अगर चेक करना एनॉमली है कि नहीं तो उसके लिए एडिशनल प्रोसीजर करना तभी एविडेंस मिलेगा दैट इट इज अनोमली इट इज नॉट अफेक्टिंग द रिमाइंडर ऑफ पॉपुलेशन क्या यह बेसिक बात समझ आती है हाँ सर अब सारे बच्चे मुझे प्रोजेक्शन बता दो जब आप मिस को प्रोजेक्ट करते हो तो आप प्रोजेक्ट क्यों करते हो एक्चुअल मिस निकालने के लिए या ब्रॉड ओवरव्यू जानने के लिए सर ब्रॉड ओवरव्यू जानने के लिए कहीं ना कहीं ये कहता है जब भी ऑडिटर प्रोजेक्ट करते हैं मिस तो वो क्यों निकालते हैं प्रोजेक्शन टू गेट अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द स्केल ऑफ द मिस ये इसलिए नहीं निकाली जाती कि आपको पता चले क्या अमाउंट रिकॉर्ड करनी है एक्चुअल नहीं पता चलती एक ब्रॉड ओवरव्यू पता चलता है ठीक है सर अब जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्या एनोमली प्रोजेक्शन में आती है नहीं सर जब आप वो प्रोजेक्शन कर रहे हो तो एनोमली अलग से लेनी है एनोमली इज एक्सक्लूडेड वेन प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट बट आपने इसको आपने इसको इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन कंसीडर करना है जब भी आप एस्टीमेट निकाल रहे हो जब भी आप एस्टीमेट निकाल रहे हो आप इसको इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन कंसीडर करोगे तो ध्यान से समझना प्रोजेक्शन करते हुए एनोमली को हटा देना प्रोजेक्शन करते हुए एनोमली को हटा देना बट एस्टिमेटेड के लिए ऐड करना जरूरी है फील समझना टॉपिक की जब आप प्रोजेक्शन कर रहे हो तो इसमें से तो एनोमली को हटा दिया तो एनोमली को अलग से लेना है तो कहीं ना कहीं आपको एनोमली को अलग से लेना है यही बात अंग्रेजी में लिखी है इट इज एक्सक्लूडेड वेन प्रोजेक्टिंग द मिस्टेटमेंट बट जब आपको एस्टिमेटेड एस्टिमेटेडमेंट कैलकुलेट करनी है इट इज कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेडेटमेंट अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसके अंदर प्रोजेक्शन होती है बता दो जल्दी से एक जगह एक्सक्लूड एक जगह इंक्लूड वेरी गुड किस में प्रोजेक्शन करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में करते हैं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वेरी गुड विधि सर जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो यानी अमाउंट्स की चेकिंग करते हो तब तो आप प्रोजेक्शन कर सकते हो बट वैन यू टॉक अबाउट द प्रोसेस यहां पे प्रोजेक्शन का कोई रोल नहीं है यहां प्रोजेक्शन का कोई रोल ही नहीं है प्रोसेस तो अगर टेन परसेंट तो ही रहेगा अगर कोई प्रोसेस टेन परसेंट डेफिशियंट है तो टेन परसेंट ही रहेगा बट जब आप बात करते हो अमाउंट्स की तब आप इसमें प्रोजेक्शन वगैरह करके चलते हो तब आप इसमें प्रोजेक्शन वगैरह करके चलते हो ये बेसिक सी बात आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है तो ये कहता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए तो प्रोजेक्शन करते हैं पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो आपका सैंपल डेविएशन रेट है वही प्रोजेक्शन डेविएशन रेट बन जाता है आखिरी में कहता है इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग कुछ नहीं है आपने रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग देखने हैं और देखना है कि रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन मिला कि नहीं रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन का क्या मतलब है

लास्ट के दो टॉपिक्स रह गए हैं जल्दी से आ जाओ मेरे साथ वेरी गुड श्रुति सर क्वेश्चन क्या है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल अप्लाइंग द टेस्ट चेक टेक्निक यानी जब भी आप सैंपलिंग की रहा जा रहे हो होब्वियसली कनेक्शन सक्सेसफुल नाउ इज इट वर्किंग अब ओके okay है अब ओके okay है अब ओके okay है अब ओके okay है, okay है अब मुझे लगता है सब ओके okay है अगर अब ओके okay है तो चैट बॉक्स में लिखो ऑडिट ओपी इफ इट इज ओके नाउ तो चैट बॉक्स में लिखो ऑडिट ओपी ताकि मुझे पता लगे इट ओके नाउ वेरी गुड ऑडिट ओपी इन द चैट बहुत बढ़िया हां जी मित्रों तो हम देख रहे थे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं तो ये कहता है सैंपलिंग करने से पहले सैंपलिंग करने से पहले ये चेक कर लेना कि एंटिटी की अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है कि नहीं तो आपने स्टडी करना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल ठीक है सर तो ये कह रहा है सबसे पहले देख लो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं फिर ये कहता है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आपको हंड्रेड चेकिंग करनी जरूरी है कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे आपको 100% परसेंट चेकिंग करनी जरूरी है For example, अगर आपको आप उसमें सैंपल चेकिंग नहीं कर सकते तो सम एरियाज नॉट सुटेबल फॉर सैंपल ठीक है सर तो कुछ एरियाज को हटा दिया अब जो बाकी एरियाज है उनकी प्लानिंग कर लो अब जो बाकी एरियाज है उनकी प्लानिंग कर लो यानी प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सैंपलिंग मैथड अब मुझे बताओ सैंपलिंग में क्या तीन चीजें होती थी सर एक तो सैंपल डिजाइन बनाते थे उस डिजाइन को बना के जब आप स्ट्रेटिफाई कर देते थे उसमें से सैंपल साइज डिसाइड करते थे कितना कितना सैंपल साइज चाहिए कि किसी में से हंड्रेड परसेंट चाहिए किसी में सेवेंटी फाइव परसेंट किसी में से ट्वेंटी के हिसाब से आप करते थे सिलेक्शन जो आपके सिलेक्शन मेथड होते थे तो यही तीन बातें आपने ध्यान रखनी है प्लानिंग में डिजाइन साइज सिलेक्शन सेविन मी डिजाइन साइज सिलेक्शन सर डिजाइन का क्या मतलब रिड्यूस कर पाओ ठीक है सर एंड लास्ट में सिलेक्शन शुड बी बायसन कहीं ना कहीं बायस्ड होनी चाहिए सारे बच्चे चैटबॉक्स में जो सिलेक्शन है वो इतनी बायस्ड होनी चाहिए ना भर भर के बायसनेस कूट कूट के भरी हो नहीं सर अनबायस्ड होनी चाहिए कहीं ना कहीं जो हमारी सैंपल सिलेक्शन है वो अनबायस्ड होनी चाहिए तो यही बातें आपने ध्यान रखनी क्रोनोलॉजी में चलना सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा, आएगा आपका सीधा टेस्ट ऑफ डिटेल्स मत करने जाना सीधा टेस्ट सैंपलिंग मत कर लेना पहले इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को समझना फिर आपको पता लगेगा कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे सैंपलिंग नहीं कर सकते एरियाज नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग ठीक है सर जब आपको पता लगे एरियाज नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग जहां सैंपलिंग सूटेबल है वहां की प्लानिंग कर लो वहां कहीं ना कहीं आपको क्या सैंपलिंग मेथड लगाने उनकी प्लानिंग कर लो अब तीन चीजें आती है सैंपल डिजाइन

बट दूसरा नाम मुझे बताओ टॉलरेबल मिस्टेटमेंट किसका दूसरा नाम है याद है हमने ऐसे थ्री ट्वेंटी पढ़ा था मटीरियलिटी हाँ सर तो मटीरियलिटी में क्या होता है सर एक अमाउंट तो निकलती है जिसको हम बोलते हैं मटीरियलिटी hmm. फिर हमें डर लगता है कि मटिरटी के नीचे की चीजों को चेक नहीं किया मटीरियलिटी के चीज नीचे की चीजों को चेक नहीं किया तो वो क्यूमोलेटिवली मटीरियलिटी से ऊपर चली जाएंगी हाँ सर तो हम इसके नीचे क्या करते थे सर जुगाड़ मटीरियलिटी निकालते थे जिसका नाम क्या था परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिसका नाम था कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के ऊपर जो जो चीजें होंगी उनको चेक करेंगे इसी को हम नाम दे देते हैं टॉलरेबल मिस्टेटमेंट इसी को हम नाम दे देते हैं टॉलरेबल मिस्टेटमेंट ऑडिट में कि जो भी टॉलरेबल मिस्टेटमेंट के ऊपर होगा उसको कहीं ना कहीं आपने चेक करके चलना है उसको कहीं ना कहीं आपको चेक करके चलना है चलनाबलेंट तो क्या है ठीक है कि इसके ऊपर कोई भी मिसस्टेटमेंट ना हो इसके ऊपर कोई भी मिसस्टेटमेंट ना हो तो सर ये अश्योरेंस कैसे मिलती है इसके ऊपर की चीजों को चेक करके सो गेट लेवल ऑफ अश्योरेंस की इस अमाउंट के ऊपर

ये वाला टॉपिक रह गया है नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस्टेटमेंट मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन बताई तो सही सर इन्वेस्टिगेशन कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं होती इन्वेस्टिगेशन कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं होती हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि जब भी कोई मिस्टेटमेंट मिले तो उसके जैसी सारी मिस्टेटमेंट को चेक कर डालो उसके जैसी सारी मिस्टेटमेंट को चेक कर डालो यानी अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है सेल्स तो सारी सेल्स आइटम को चेक कर लो अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन की ट्रांजेक्शन मान लो नागपुर ब्रांच तो नागपुर ब्रांच की सारी ट्रांजेक्शन को चेक कर लो अगर कोई प्रोडक्ट लाइन है फॉर एग्जाम्पल आई में एफ प्रोडक्ट्स उसको चेक कर लो या पीरियड ऑफ टाइम तो जिनमें भी कॉमन फीचर्स है उन सबको चेक कर लो बट अगर किसी कॉमन फीचर को चेक करते हुए आपको लगता है इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड तो उसको भी कंसिडर करके चलना तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ के चलनी है नाउर द रिविजन ऑफ ऑडिट सैंपलिंग गेट्स कंप्लीटेड मैं आपको बस बता देता हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपने एकदम इसमें ध्यान से करके चलना है सर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो सैंपलिंग रिस्क है इसको तो आपने अच्छे से कवर करना ही करना है डील डन डील डन सर दूसरी चीज ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन है कि आपको कैसी पॉपुलेशन चाहिए आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए ये तीन पॉइंट ध्यान रखना ठीक है सर फिर ये जो क्वेश्चन आता है ना अप्रोचेस टू सैंपलिंग स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए आरएसपीटी रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थ्योरी अब ये जो तीन हैं मैथमेटिकल लॉग ये आना चाहिए ठीक है एंड साथ ही साथ इसकी क्या एडवांटेजेस है मोमा मोमी प्लस साइज इंक्रीज नहीं होता विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके ऊपर क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैग में ठीक है सर अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो तीन पॉइंट्स है पर्पस पर्पस के हिसाब से प्रोसीजर प्रोसीजर के हिसाब से एविडेंस एंड लास्ट में कंप्लीट पॉपुलेशन ये तीन पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखना है इस पर भी क्वेश्चन नवंबर ट्वेंटी में आया था अब ये जो है स्पेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी इसको रीड कर लेना जिस क्रोनोलॉजी में हमने सीखा है उसमें बस रीड कर लेना एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है समझ गए सर अब ये जो टॉपिक आता है इसके बाद ये वाला टॉपिक सैंपल सिलेक्शन मेथड सारे के सारे मेथड आपने अच्छे से रीड करके चलने समझ के चलने दैट्स मोर देन इनफ ठीक है सर फिर आते हैं परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर मसाला टॉपिक मसाला वन मसाला टू मसाला थ्री नोट से कर लेना इजी रहेगा बी एबल टू हैंडल इट और क्या था सर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट कैसे होता है कि आप एक एस्टिमेट निकालना चाह रहे हो आप एक्चुअल मिस्टेटमेंट नहीं निकाल रहे एनोमली को पहले एक्सक्लूड करते फिर इंक्लूड करते हैं और टीओडी में करते टीओसी में नहीं करते इन पॉइंट्स को आपने कवर करके चलना अगेन इट वॉज आज डे नवंबर ट्वेंटी और इसके अलावा ये जो प्रिकॉशन है इसके अलावा ये जो प्रिकॉशन है ये आपने अच्छे से करके चलने सो आई होप यू एंजॉय द रिविजन कहीं ना कहीं एक घंटा लग गया कहीं ना कहीं एक घंटा पंद्रह मिनट लग गया इस रिविजन को कराने में बट ट्रस्ट मी इसी रिवीजन को अगर आप एक दो बार और देख लोगे, इसी रिवीजन को आप एक दो बार और देख लोगे तो पूरे सैंपलिंग टॉपिक पे आपको बढ़िया वाला कंफर्ट आ जाएगा तो यू ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे एंड आने वाले एग्जाम्स में रॉक करेंगे ठीक है लगे रहो मित्रों थैंक यू सो मच कीप गोइंग ऑल द बेस्ट